आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रूस ने की यूक्रेन में युद्ध रोकने की घोषणा, नागरिकों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर खोलने पर जताई सहमति। रूस भी झेल रहा युद्ध की मार, यूक्रेन का दावा, अब तक 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों का हो चुका अंत। वाराणसी में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा कोरोना हो या यूक्रेन संकट, सिर्फ नकारात्मक रवैया रखता है विपक्ष। भदोही में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा बीजेपी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही, हर जनपद में बिजली मिल रही। कर्नाटक के मंगलुरु में फिर उठा हिजाब विवाद, छात्रों को परीक्षा देने की नहीं मिली इजाजत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर हमीरपुर से है, जहां पर दो छात्राएं यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान फंस गईं। बता दें, भारत सरकार से यूक्रेन से छात्रों की सकुशल अपने घर वापसी कराई है और छात्र प्रतिष्ठा ने यूक्रेन में हुई आपबीती सुनाई। वहीं छात्रा की सकुशल वापसी पर छात्रा के पिता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भारत सरकार का धन्यवाद दिया। हाँ, हमेशा सायरन बजता रहता था और बॉम्ब अटैक भी होता था और फाइटर जेट की आवाज़ भी देखा नहीं था, फाइटर जेट पर आवाज़ सुनी थी हॉस्टल के ऊपर से, और हॉस्टल के आसपास भी कभी कभी अटैक होता था। और आपके साथ कितने छात्र थे? हम लोग तो वहाँ पे 250 से 300 जन एक साथ बेसमेंट में रुके हुए थे। सभी आ गए? अभी सभी का तो पता नहीं, पर धीरे धीरे सब आ रहे हैं, गवर्नमेंट सबको लेके आ रही है। तो किस तरह से लाया गया था आपको, क्या कहा गया था, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे पहुँच सके? पहले तो हमें मतलब बॉर्डर तक जाना था और फिर बॉर्डर के बाद पूरा इंडियन एम्बेसी सब कुछ कर रही थी, यहाँ पे भी कर रही थी, पर कुछ लोगों को मिल पा रहा था, कुछ को नहीं मिल पा रहा था सपोर्ट गवर्नमेंट का। पर बॉर्डर पहुँचने के बाद पूरा सपोर्ट, बॉर्डर में भी, इमिग्रेशन में, हर एक चीज़ तुरंत हो रही थी हम लोगों की। मैनपुरी के एक तहसील परिसर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पुराने पति को छोड़ अपने नए प्रेमी के साथ पति के सामने शपथ पत्र देकर तहसील परिसर को विवाह स्थल बना प्रेमी के गले में वरमाला डाल दी। बता दें कि ये अजीबोगरीब मामला करहल थाना क्षेत्र के तहसील परिसर में देखने को मिला, जहाँ एक गाँव निवासी युवती की शादी करीब 13 वर्ष पूर्व हुई थी, उसके 3 बच्चे भी हैं। महिला आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति शराब, गांजा आदि के नशे डूबा रहता है। दारू पीते थे, गांजा पीते थे, मतलब खर्चा पानी नहीं देते थे, 2 साल में अपने घर पे रहे, इसलिए मजबूरी में कर लिया। एक दूसरे की राजीवाजी है साहब। तो आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया? फिर क्या करें साहब, वो यार उल्टे कर दिए, यार उल्टे कर दिए साहब, वो नहीं रहेंगे, नहीं रहेगी। ये हमारा रिलेशन में एक दो थोड़ा वो हुआ है, इनको लोगों ने उधर से इधर, क्या ये राजी मार ली इनके लिए तो ये रिलेशन में। बांदा में तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे 2 लोगों को रौंद दिया। घटना में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये मामला मटौद थाना क्षेत्र के महोबर रोड खैराड़ा गांव के पास का है। घटना में ट्रक चालक मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन की तलाश में जुट गई है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में अब मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जहां फरीदाबाद के सिविल बादशाह खान अस्पताल में ही अब प्लेटलेट्स सेपरेट मशीन उपलब्ध कराई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि ये मशीन एस्कॉर्ट कंपनी द्वारा CSR के तहत सरकारी अस्पताल को डोनेट की गई है, जिससे मरीजों का काफी भला होगा, क्योंकि पहले प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए मरीजों को इधर उधर जाना पड़ता था। मशीन है जिसके द्वारा हम होल ब्लड से प्लेटलेट को अलग कर सकते हैं और सिंगल डोनर प्लाज्मा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके द्वारा जो डेंगू के पेशेंट हमारे पास
इस समय काफ़ी आए थे, उनके अंदर हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन हमारे पास इस मशीन की उपलब्धता नहीं थी। लेकिन हमारे फरीदाबाद में कई सेंटरों के अंदर ये उपलब्ध थी, जिससे हमने प्लाज्मा लेके मरीजों को चढ़ाया। अब ये मशीन हमारे बीके अस्पताल में उपलब्ध हो गई है। इसके द्वारा अब हम कोई भी प्लेटलेट कम होने वाला मरीज या डेंगू का मरीज आएगा तो उसमें इस मशीन के द्वारा हम प्लेटलेट सेपरेट कर उन मरीजों को लगा सकें। खबर सीतापुर से है, जहां पर रामपुर कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो असलाहधारी बदमाशों ने एक बैंक मित्र को गोली मार दी। ये घटना तब की है जब बैंक मित्र अपनी बैंक से रुपए निकालकर अपने गांव जा रहा था। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बैंक मित्र को लखनऊ रेफर कर दिया है, जिससे दहशत का माहौल बन गया है। वही पुलिस अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और कई जगह नाकाबंदी कर दी गई है। हाँ। अंजला के पास में तुम बैग से नहीं आए, जब बैग पकड़ गई वो गाड़ी रोकन बस बैग के पीछे ना गोली मारी के चले गए। रिवाल्वर रहे थे। अच्छा, दोनों के पास रिवाल्वर थी। हाँ, तीन ले छह लोग रहे। अच्छा, दो मोटरसाइकिल आई थी। कितना पैसा था हाथ में? उनका ही पता, हमका नहीं पता कम से कम। एक रामपुर कला में गांव है, वहाँ के कंबुज वर्मा नाम का व्यक्ति जो सीएसपी संचालक है, आज अपराधा 9:30 बजे अपने घर से निकल के बिस्वा जा रहा था और रास्ते में तीन लोग मिले उसको, रोके उसे और ठाक हुए लोगों को और उन लोगों ने फायरिंग किया जिसके पेट के निचले हिस्से में लग गई। खतरे से बाहर है, मारे से चोट को लेकर मेडिकल कॉलेज लखनऊ गए हैं जहाँ उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल अभी खतरे से बाहर सरकारी दिन वो ज़्यादा था यहाँ पर, इसी बात को लेकर उन लोगों आपस में हाथ ठाक हुई और इससे घटना एक कारित की गई। खबर बदायूं से है, जहां पर मुन्ने यादव की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। 24 फरवरी को पति पत्नी में किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई थी। दरअसल प्रेमलता हजरतपुर आई थी, महिला की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। जब महिला हजरतपुर से घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने 27 फरवरी को थाना हजरतपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए कई अहम कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से हर एक जिले में महिला थाने के साथ साथ हर थाने में एक महिला डेस्क बनाया गया है, ताकि महिला को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को देखते हुए महिला हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने एक और पहल करते हुए डायल 112 की सेवा की भी शुरुआत की है। 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, जो अगर किसी लड़की के साथ या किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम उसे डायल करके उसे बुला सकते हैं उन्हें उनकी हेल्प के लिए। और 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी के साथ भी छोटे बड़े या किसी के साथ भी कुछ गलत हो तो हम उसे डायल करके उन्हें बुला सकते हैं। 1091 एक ऐसी हेल्पलाइन है जिससे हमें हेल्प मिलती है, मतलब जैसे हम किसी भी परिस्थिति में हैं और हमें हेल्प की ज़रूरत है तो हम उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमें तुरंत ही इसकी सुविधा मिलेगी। 112 एक ऐसी सुविधा है जिसमें किसी भी महिला पुरुष लेडीज कोई भी हो, उसमें हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जिससे हम बहुत परेशान हो, उसे हम डायल करके अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारी तुरंत हेल्प करेंगे। 112 के बारे में हम ये सारी जानकारी हमारे टीचरों ने दी है। यह महिलाओं के लिए बहुत ही पावरफुल हेल्पलाइन है। अगर बाय चांस अक्सर जैसे कि हम स्कूल से जाते हैं तो रास्तों पे बहुत सारे मतलब लड़कियों के साथ अक्सर लड़के बदतमीजी करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, हम घरों में भी बताते हैं तो अक्सर हमारे माता पिता यही सलाह देते हैं कि रहने दे, लड़ाई हो जाएगी खामा खा की, वो टाल देते हैं। लेकिन 112 हेल्पलाइन महिलाओं के लिए इतनी पावरफुल हो गई है कि अब महिलाओं को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। खबर अलीगढ़ से है, जहां गांधी पार्क के गांव भदेशी में अपने ही आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में साधु का शव लटका मिला। शव मिलने से पूरे आश्रम में सनसनी फैल गई। परिजनों ने सूचना दी पुलिस को, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये क्या नाम है? महात्मा जी ने फांसी लगा ली। इन्होंने लगा ली है क्या? कुछ कैसे आप कैसे पता चला? मतलब हमें तो सवेरे पता चली है।
रात को किस तरीके से सोए थे? जो रात को तो खूब मजे से सोए हैं और महात्मा जी से बातचीत भी हुई है दो चार, और फिर के बाद लगा के अभी तक वहाँ कमरा वहाँ सो गए हैं और सवेरे जाने कै बजे उठे हैं महात्मा जी बता रहे हैं कि चार बजे के लगभग उठे हैं ये, क्योंकि पूजा वूजा करने आते थे और उसके बाद में जो है क्या नाम है ये फिर झाड़ू वाड़ू लगाते रहे हैं और चाय बनी है, चाय लेके आए हैं जंगला में से देखा है उनने लड़के ने बोले तो वो तो नो खड़े हैं चाय लौटा के ले गए आवाज़ दी है नहीं सुनी है। आज थाना कादीपाड़ क्षेत्र में एक आत्महत्या का प्रकरण सामने में आया, मौके पर पहुंचने पर पुलिस अज्ञात हुआ। एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 66 वर्ष है, जिनका नाम श्री लालदास जी है, उनके द्वारा आत्महत्या का मामला प्रकाश पाया। आसपास के लोगों से जानकारी करने पर पुलिस को ज्ञात हुआ कि लालदास जी इस बात से परेशान थे कि जो श्री गयादास जी हैं उनके द्वारा गांव के दो लोगों को ज़मीन बेची गई थी, इन दो व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को ज़मीन ना बेच दी जाए, इस बात से लालदास जी परेशान थे। सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किन्नर समाज में अक्सर जजमानी और एरिया को लेकर मारपीट की घटना सामने आती रहती है, वहीं आज बहराइच में भी किन्नर डीएम ऑफिस पहुंचे और बताया कि जजमानी को लेकर दूसरे किन्नर पक्षों ने उन्हें मारा पीटा है, ऐसे में वो डीएम के पास न्याय के लिए आए हैं। बहराइच से ये खबर सामने आई है जहाँ पे किन्नर समाज के एक गुट ने शिकायत करी है दूसरे गुट के खिलाफ, जहां पर मारपीट की घटना सामने आई है। अक्सर ही ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जहां जजमानी को लेकर और मारपीट की घटना सामने आती रहती है एरिया को लेकर भी, और ऐसी ही खबर आज भी सामने आई है। बहराइच से ये खबर सामने आई है जहां किन्नर डीएम ऑफिस पहुंचे हैं और बताया उन्होंने कि जजमानी को लेकर ही दूसरे किन्नर पक्षों ने उन्हें मारा पीटा है और ऐसे में वो डीएम के पास न्याय की गुहार लगाने आए। खबर सहारनपुर से है जहां शराबी युवकों ने रेलवे रोड पर चौकी के महज चंद कदम दूर ही जमकर उत्पात मचाया और साथ ही रोड से गुजर रहे लोगों से भी मारपीट की, वहीं पुलिस को आता देख मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीछा करते हुए वायरलेस पर संदेश जारी किया और कार सवारों को अगली चौकी पर पकड़ा गया। लखीमपुर में जमीनी विवाद के चलते 45 वर्षीय महिला की लाठी डंडों से जमकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मामला थाना खीरी के केशवपुर गोरेला गांव का है जहां बबलू सिंह और जलील खान के बीच एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला मंतुन खातून की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। खबर फरीदाबाद से है जहां न्यू दुर्गा कॉलोनी में खेल रहे दो बच्चों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि दोनों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं कल ही बच्चे नहाने गए थे बाबा बने वाला बाबा करीम धाम, वहाँ तालाब था, वहाँ बच्चे नहाते नहाते वो मानो गहरे पानी में चले गए, उसके फिर उसको सर्वोदय मिल गई, सर्वोदय लोग फट गए दोनों बच्चों को। तो अभी हम बीके हॉस्पिटल लाए, आप पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। क्या क्या नाम है बच्चों के? एक का नाम यश है, एक का नाम है प्रिंस है, तो बिहार के रहने वाले हैं, इसके माँ बाप यहीं रहते हैं। हमारे बच्चे को कल छुट्टी था, पेपर देने जा रहा था, नहीं छुट्टी था तो क्या हुआ, जो मैं बोला कि बेटा कहीं मत जाइए, नहा धो के तैयार करके घर में था। अब पता नहीं हमने ड्यूटी जॉब पे जाने लगे तो पता नहीं कैसे न कैसे उधर चला गया, बनी है एक बनी में घूमने उमने चला गया पूजा के नाम पे। अब पता नहीं वहाँ क्या हुआ क्या नहीं पता, भगवान जाने। आपको कैसे पता लगा? हमें कॉलोनी के बंदे बताया करके, एक बच्चे था साथ में उसने बताया, जैसे जैसे बात हो गया, उसी का छोटा भाई था भागे भागे आया बताया, जैसे जैसे कांड हो गया फिर कॉलोनी के लोग दौड़ के गए तो सब बताया जैसे जैसे बात हुआ है, तब फिर सारे कॉलोनी जुट गया, फिर मैं भी गया, सब गया डॉक्टर के पास ले गए, फिर डॉक्टर बोल दिया जो मृत्यु घोषित कर दिया। खबर सहारनपुर से है जहां स्मैक तस्करों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिससे खेत में काम कर रहा एक किसान दबने से घायल हो गया और साथ ही दरोगा को भी गंभीर चोट आई है। बता दें कि दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।
थाना गंगो को सूचना मिली थी स्मैक की, जिसमें यहाँ पर थाना गंगो द्वारा जो आदमी था जिसके पास सूचना थी उसको पकड़ा, उसको पकड़ कर यहाँ से जा रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी जो है बगल खेत में चली गई, थोड़ा सा वहीं पर एक जो खेत में काम कर रहा था व्यक्ति उसके चोट लग गई, और इस दौरान हमारी जो गाड़ी थी वो भी क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी में बैठे दरोगा जी उनकी भी उनके लिए काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। हमने तुरंत ही तत्काल जो है इसमें जो काम कर रहा था व्यक्ति उसको भी हॉस्पिटल पहुँचाया और दरोगा जी को भी हॉस्पिटल पहुँचा दिया। दोनों की हालत अभी खतरे से बाहर है। खबर सीतापुर से है जहां अज्ञात चोरों ने रातों रात दो चंदन के पेड़ काटकर फरार हो गए। बता दें कि ये पूरा मामला मिश्रिक कोतवाली के तरसवा गांव का है, जहां तरसवा गांव में रामनाथ मौर्य के बाग में छह चंदन के पेड़ लगे थे, जिसमें से अज्ञात चोरों ने दो चंदन के पेड़ काटकर गायब कर दिए। जब सुबह रामनाथ मौर्य को जानकारी हुई तो उन्होंने मिश्रिक कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। ये आज करीबन एक बजे के बाद हुई है, एक बजे हम आए थे यहाँ देखने। ये हम ये रात में आज दो बार आए थे टॉयलेट करने, तो मतलब कुछ नहीं कटा था, और जब सुबह देखा तो ये कटे पेड़ मिले मेरे। अभी तहरीर कहीं नहीं दी है और देने जा रहे हैं अभी आज। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।